पेली मासान की खोपड़ी। कमीना मनुष्य भक्त मनुष्य, ये बू कहां से आ रही है? इस हमारे लोक लोक में किसी मनुष्य की गंध आ रही है। कमीने मनुष्य को हमारे इस जापान मुल्क में आया है, और वो कमीना कहां है कोई पता नहीं। काली काली महाकाली माधी देवी विष्णु की साली, हो सरकारी हो मौवा करो जारी हो चूल्हे के गिराए के बदर बदर मारी हो सावन का महीना, सावन का महीना पवन कर सो, सावन सावन का महीना पवन कर सो, ओ खटिया बिचारी का करे अब हम नागलोक की सरहद पे आ चुके हैं। देखो बहुत थक चुके हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नागलोक की सरहद पार करने से पहले थोड़ी देर हम तुम आराम कर लिया जाए। बिस्तरवा तो हुए रखी है, तो ले आओ, जाके ले आओ ना। आज मुझे अजीब सब लग रहा है, और मैं कौन सी देश में आ गया हूँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब किस तरह से मैं इस नागलोक की सरहद को पार कर पाऊंगा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अरे दूर न गिरी बलि दूर न गिरी, दूर न गिरी बलि दूर न गिरी, बड़ी
तुम उस तरफ से हो अगर तुम्हें डर लगता हो तो, और नहीं तो इस तरफ से जाओ। हमें तो मन है एक बात, क्या एक जने सोओ एक जने जागो, यानी जागते रहोगे तो ठीक है, पहले तुम सोलो मैं जागता हूँ। नहीं एक बात की जाए इकट्ठा सो ली जाए, हाँ दोनों जने बराबर जाग जावा जाए और चल। लेकिन एक बात सोच लो, यानी कि भन्नी नहीं सोना, अरे कोई भी आहत हो तो फौरन उठ के खड़े हो जाना, क्योंकि ये जंगल है, पता नहीं यहाँ कैसे जानवर आ जाए। मान लियो ना खड़े हो पाए तो तुम हमका खड़ा हो करो। अरे तुमको मैं खड़ा कर दूंगा, एक मिनट में तुम खड़े हो जाओगी, क्यों परेशान काहे खड़े हो, बड़ी देर लगा। नहीं देर नहीं लगेगी, मेरे पास औजार है ना। बगीचे में इसे मालूम नहीं कि कोई नागलो की मैं आता है तो मेरे बाबूजी इसे जापानी चक्की पिसवा देते हैं, लेकिन इसे मालूम नहीं कि कहां आ गया, इसको अपने होश में लाऊंगी, इससे कुछ बातें करूंगी। ओ कभी छाई नमा, ओ लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप मुझसे? हाँ आप कौन है और मुझसे क्या कहना चाहती हूँ? मैं सब कुछ बताती हूँ। अरे कहाँ जा रहे Stop it!
आप यहाँ कैसे आ गए हो? आपको मालूम नहीं कि मेरी जापानी किस में कोई आता है तो मेरे बाबूजी उसे जापानी चक्के पिसा देते हैं। आप यहाँ कैसे आ गए हो? यानी आप जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरा नाम क्या है? तो देवी जी क्या कह रही और समझना और मेरा नाम राजू राजू भाई काले शहजादी की तस्वीर। क्या मैं अपने वतन से भटकता हुआ सिर्फ समंदर शहजादी की तस्वीर के लिए आया हूँ? ये बताइए, अगर तुम्हें समंदर शहजादी की तस्वीर मिल जाए तो आप उसके बदले मुझे क्या दे सकते हो? आप अगर मुझे तस्वीर मिल जाएगी तो आप जो चाहेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मेरे बाबू की तीन प्रश्न हैं। हाँ, अगर वो प्रश्नों को आप उत्तर दे सकते हो तभी मेरी बहन तस्वीर समंदर जाति की पा सकते हो। तीन प्रश्न हैं जी जिनका मुझे उत्तर देना होगा जी। तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक मेरा साथी था, मैं उसे बुला लूं, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। जी बुला लीजिए। ये बता
बताओ, तुमने मेरा साथ देने का वादा किया और जब मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी तो तुम यहाँ से पेल सटे। सही, ऊपर वाले का डरा के तो हो बात करो। क्यों? घंटन से हलाई से तुम कपड़ी चुओ। हाँ। उठाओ उठाओ, खाली मुंह से नहीं बोलन मारे घबराहट। इतना नींद में सोए गए हो कि उठ बने पे हो और हमें ऊपर एकदम आफत आ गई। अरे आफत सामने है, देखा उधर। मर गए, तीन प्रश्न का अगर सवाल का जवाब नहीं दोगे ना तो यही मारे जाएंगे हम लोग। पहले एक बात बताओ, या कुवार एतान हिया हिया एतान का तो पूछ लो। हमका जान पड़ की लील गाय का बच्चा है कहा? तुम्हारा चश्मा उतार के देखो, चश्मा तुम्हारा सही नहीं है टेस्ट है। ए, अब तो हम चल जानते हो कौन है? अब तो हम काउन नहीं देखा, हमका तो तुम नहीं देखा तो कहाँ हो? ये बात है, लगा लो लगा लो। देखो देवी जी नमस्ते। यार ये तान के मेहरारू अब अखिया नहीं। पहले इनके सवालों का जवाब देना होगा। देवी जी क्यों बाबू जी, ये तुम्हारे साथ रहता है? हाँ तो बहुत ये थोड़ा अच्छा अच्छा मैंने मैंने सोचा कि बदतमीजी कर रहा। क्या बदतमीजी नहीं, इसकी ऐसी आदत है। जी जी ये मेरे साथ रहते रहते कबो कबो हमें अल्जाइमर बीमारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुड़म दास की क्या? सुनो सवाल, आप अगर मेरी बहन की तस्वीर पाना चाहते हो तो तीन प्रश्न को जवाब देना होगा। जवाब दे सकते हो? ठीक है दे दीजिए। तुम्हारा साथी देगा? नहीं। हाँ हाँ तीन सवाल है, अगर तीन सवाल का जवाब हम लोग दे दिया तो। अरे हमारी बहन समंदर जाति की तस्वीर लेकर जाओगी? ठीक है कोई बात नहीं। समंदर जाति की तस्वीर तो लाइन के चलो कोई, लेकिन जुगाड़ लगाओ यार पहले। ठीक है आप बताइए कि आपकी कौन सी सवाल है? तो मेरा ये सवाल है, ये बताइए सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? रुक जाओ हमसे। तुम्हीं को बताना है, बताइए संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल किस चीज का होता है? नंबर एक का बताओ। सबसे मीठा फल गूलर का गूलर हो था गूलर। इसी के कह रहे थे कि मेरा साथी बताएगा क्या? कहे हो कहे मूर तुम्हारा सही तो बतावा। नहीं देवी जी, इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल संतोष और सब्र का होता है। जी तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन दूसरा प्रश्न मेरा है, कौन सा है? इस संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? इंसान अब की तो बताएं, इंसान किस लिए, इंसान किस चीज के लिए भटकता है? मेहरारू के बारे मेहरारू के बारे भटका तो मनाई और ये है संसार में, संसार में मेहरारू पर एक से एक बुढ़वा पर पूछ लियो भैया के दिल से। लेकिन इंसान सिर्फ औरत के लिए ही नहीं भटकता है, इंसान इस संसार में अपनी ही सोहबिश और अपनी तमन्नाओं के लिए भटकता है। जैसे कि तुम्हारी बहन समंदर दादी की तस्वीर के लिए भटक रहा है। सही जवाब दिया, लेकिन मेरा तीसरा
बड़ा सवाल है, आप बता नहीं सकते हो। मेरा तीसरा सवाल है, इंसान इस दुनिया में क्या कर सकते क्या नहीं कर सकता। सुना नहीं सुन पाए? अरे हम सुन पाए तो तुरंत बता। इस पृथ्वी पे नारी जात क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती? नारी चाहे वह राहत के रूप चाहे पुरवाही चाहे नारिया की आए? क्या नारी में लगा दियो पानी बम्बी में चाप दियो बढ़िया डंडा भुक 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 निकल। आपका प्रश्न है कि संसार में नारी जाति क्या कुछ नहीं कर सकती है, तो इस संसार में नारी जात सब कुछ कर सकती है। नारी जात चाहे तो पल में दुर्गा का रूप धारण कर ले और पल में काली का उसके इतना साहस है कि वो हर काम हर कुछ कर सकती है, सिवाय बिना पुरुष के एक औलाद को जन्म नहीं दे सकती है। तो मेरा सवाल बता दिया, मैं आपको रास्ता अवश्य बताऊंगी। हाँ हाँ मैं अवश्य बताऊंगी। मेरी बहन आएगी 6 बजे, वो पीपल का पेड़ जो दिखाई देता है जी जी नहीं तब उस बार हाँ अगर हमारी बहन उस बार से आएगी इस बार वो जो दिखाई देता है पीपल का पेड़ हाँ उसी पीपल की पेड़ के नीचे जाकर कहीं पत्ते में छुप जाना। मेरी बहन आएगी वहां तस्वीर ले लेना। चले कि मुझे सात समंदर पार नहीं करना पड़ेगा जी। आपकी बहन सात समंदर पार करके जो दिखाई देता है हाँ इसी की बार आएगी पूजा करने आती जी 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 ठीक है। आप जाकर वहीं छुपकर मेरी बहन की तस्वीर ले लेना। लेकिन मैं आपको कुछ कहना भी चाहती हूँ। हाँ कहिए। इनकी बहन का चलो पिपरे तरे ले लियो चले और इनका कह दियो इठाई दे दिए दोबारा मिले। अरे इनकी तस्वीर थोड़ा हमें लेना है, इनकी बहन की लेना है। हम तो सोची कितनों का लिया हो नहीं कहा करना है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। देते ही बांसुरी निशानी इसको सुनिए ध्यान से ये। इसको रखना जान से हर मुसीबत पड़े तो इसे तुम बताना देवी जी। एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये बांसुरी हमारे किस काम आएगी? ये बांसुरी तुम्हारे काम ऐसे आएगी अगर तुम इसे सीधा बजाओगे हाँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ अगर तुम इसे उल्टा बजाओगे तो मैं कहीं भी रहूंगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्या बात है जी? ठीक है तो अब मैं चलाऊं तो और मेरे बहन का आने का समय हो गया है। हाँ आप इसे बना बजाइए मैं जाना चाहती हूँ। क्या आप जाना चाहती जी?
क्या हुआ? क्या है यार भैया, नाराज न हो तो एक बात कही बताओ यार, हमका इनके साथ भेज दियो, इनके घर जाओ। यहाँ महीना 12 दिन रहा। ए, तुमने वादा किया है, थोड़ा रुको, हम तो मैं भेजेंगे, रुक जाओ। यानी कि जाना चाहते हो? नहीं अभी नहीं। क्या आप बताइए, मैं जा रही हूँ। खैर है, काबिल या यह बांसुरी तो काबिल है। लो बजाओ बजाओ बजाओ, जल्दी आओ। क्या बजाए? बजाओ अब तो, अब तो चली गई। अरे यही का बजाओ यार, आओ भाई जल्दी। अब नहीं बजाऊंगा। ना बजाइयो, यहां ले आओ। अच्छा, यानी कि तुम्हें विश्वास नहीं कि वो वापिस आएगी कि नहीं आएगी? तो ठीक है, जल्दी देखो, तुम्हारा कहना भी ठीक है, हम इस बांसुरी से आजमाइश करते हैं, क्यों मोहिनी वापिस आती है या क्यों नहीं आती। मोहिनी, क्या बात है? मेरी गलती को क्षमा करना, हम अपने साथी कहने पे इस बासुरी की आजमाइश कर रहे थे, ये कह रहा था कि मोहिनी वापिस नहीं आएगी अब, तो हम ये कह रहा, हाँ ये देख रहे थे मेरी